बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको फॉर्म 45 के मुतालिक बताया, अभी हम दूसरे फॉर्म्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म 46 गलत और मंसूख शुदा बेल्ट की तफसीलात के साथ मौसूल शुदा और बनाए गए बेल्ट पेपर के बारे में अहम मालूमात पर मुश्तमिल है। इंतखाबी अमल की सालमियत को यकीनी बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये है फॉर्म 46। अब फॉर्म 47 का क्या रोल है? फॉर्म 47 में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद और किसी इंतखाबी हलके के गैर सरकारी नतायज के बारे में हर उम्मीदवार के वोटों की तकसीम शामिल है। फॉर्म 48 इंतखाबी नतायज की तैयारी में एक अहम है, क्योंकि इसमें एक मखसूस हलके में हर उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की कुल तादाद शामिल होती है। फॉर्म 49 जिसे गजटेड फॉर्म भी कहा जाता है, इंतखाबात के हतमी और सरकारी नतीज पर मुश्तमिल है। इसमें उम्मीदवारों के नाम, उनसे वाबस्ता सियासी जमातें और इंतखाबी हलके में हासिल होने वाले कुल वोट शामिल हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। आजकल जैसे इलेक्शंस हुए हैं, अभी वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है और सारी काउंटिंग के मसले चल रहे हैं, तो इन फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यकीनी बनाया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।